ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल आर सिंपली दोज विद सक्सेसफुल हैबिट्स। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको अपने अंदर सक्सेसफुल हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 9 ऐसे हैबिट्स जो अगर आप डेवलप कर लें तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। आई नो कि बहुत ज़्यादा फैंसी लगता है कि सक्सेसफुल हो जाऊँ। द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड अनसक्सेसफुल पीपल आर दो स्मॉल टीनी हैबिट्स। दीज आर नॉट बिग थिंग्स, बट वॉट हैपन्स इज कि अगर आप टीनी टीनी डिफरेंस रोज दिखते हैं तो ओवर द ईयर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस आता है। जैसे एक डिफरेंस आता है एटॉमिक हैबिट्स में, जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप रोज 1% इम्प्रूव हो रहे हैं तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आप 3700% मतलब 37 गुना बेटर हो सकते हैं अगर आप रोज 1% इम्प्रूव हो रहे हैं। और अगर आप 1% नीचे गिर रहे हैं, 1% पीछे जा रहे हैं तो बाय द एंड ऑफ द ईयर यू कैन बी वेरी वेल क्लोज टू जीरो। तो इट्स अप टू यू। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने हैबिट्स पे काम करें, हम ऐसी चीजों पे काम करें जो हमें आगे ले जाती है, अदरवाइज वील बी लेफ्ट बिहाइंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वॉट आर दोज 9 सक्सेसफुल हैबिट्स? सो पहली चीज है कि यू नीड टू लर्न टू से नो। जब भी आप कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं, या आप जॉब में हैं, या आप स्टूडेंट हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। एंड मे बी एट द स्टार्ट यू से यस टू मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट अगर आपको ज्यादा सक्सेसफुल होना है देन यू हैव टू लर्न टू से नो। मे बी आपको कहीं बुलाया जा रहा है जहाँ आपको जाने की जरूरत नहीं है, कोई फ्रेंड आपको बुला रहा है कि आ जाओ, वो 3 दिन मस्ती करते हैं, बट यू हैव एग्जाम, यू नीड टू प्रिपेयर। सो द सूनर यू लर्न टू से नो द बेटर इट वुड बी। लोग आपको अपना काम देके जाना चाहते हैं बट यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू हेल्प, देन लर्न टू से नो। सो द फर्स्ट हैबिट दैट यू मस्ट लर्न इज टू लर्न टू से नो। हैबिट नंबर 2, लिफ्ट अदर्स अप। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मैंने अपनी बुक में भी लिखा था, विच इज स्टोरी अबाउट क्रैब। क्या होता है क्रैब, केकड़े। अगर आप उनको बंच ऑफ केकड़ों को उठाओ और एक बाल्टी में डाल दो और उसमें से अगर एक भी केकड़ा बाहर निकलना चाहेगा तो बाकी सारे क्रैब्स उसको पुल डाउन कर देते हैं। एंड दिस इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। बट अगर आप देखोगे सक्सेसफुल पीपल को, बहुत ही रेयरली होगा कि आप देखोगे कि वो दूसरे को गिरा रहे हैं। दे आर ऑलवेज लिफ्टिंग अदर्स अप। इफ यू कांट लिफ्ट अदर्स अप, एट लीस्ट डोंट पुल देम डाउन। एंड द थर्ड habit that a successful people is that they are not afraid of being wrong. Nobody is 100% right. कोई भी 100% सही नहीं है. And it's okay to be wrong. अगर तुमने गलत कर दिया तो क्या हो गया? It's all about learning and that comes back कि जो mindset है, मैंने बहुत बार बात की है the book mindset, जहाँ पे Dr. Carol Dweck कहती है there are 2 types of mindset. एक होता है fixed mindset और एक होता है growth mindset. जो fixed mindset वाले लोग हैं उनको लगता है या तो मुझे आता है या तो नहीं आता, या तो मैं हूँ या तो मैं नहीं। बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनको लगता है कि आई कैन लर्न, आई कैन ग्रो, आई कैन डू, एंड इस प्रोसेस में आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। मैं गलत भी हो सकता हूँ, गलतियां कर सकता हूँ, मिस्टेक कर सकता हूँ, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। और एक बहुत अच्छा कोट्स है कि द पर्सन हु हैव नेवर फेल्ड हैज नेवर ट्राइड समथिंग न्यू। सो जो सक्सेसफुल बनना है तो आपको एक हैबिट डालनी होगी कि इट्स ओके, आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन मेक मिस्टेक्स। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं दे डोंट टेक क्रिटिसिज्म पर्सनली। आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आपने उनकी जरा सी बुराई की एंड फट पड़ते हैं, तुमने मेरी बुराई कैसे कर दी, मैं गलत नहीं हो सकता, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी क्रिटिसिज्म को पर्सनली नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको बोला कि तुम्हारी स्पीच बहुत ही बोरिंग थी, नाउ इधर यू कैन टेक इट लाइक ये मुझे बोरिंग बोला है, और यू कैन टेक इट लाइक मेरी स्पीच बोरिंग थी, मैं और क्या कर सकता हूँ कि उसको इंगेजिंग बना दूँ, उसको और इंटरेस्टिंग बना दूँ, उसमें और ह्यूमर डाल दूँ, उसमें और ऑडियंस इंगेजमेंट कर दूँ। तो डोंट टेक क्रिटिसिज्म पर्सनली। अगर आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो टेक क्रिटिसिज्म इन अ वे दैट इट हेल्प्स इन योर जर्नी। नंबर 5, आई हैव बीन विक्टिम ऑफ दैट, मैं बहुत ही ऑनेस्टली बता रहा हूँ। एंड जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो कभी दे नेवर से नेवर। आई रिमेम्बर मैं जब पहली जॉब को स्विच करके नोएडा आ रहा था, मेरी कंपनी ने, पहली कंपनी ने मुझे ऑफर किया कि यू विल गो, यू कैन गो टू ऑन साइट
right, you can go out of India. I said, then I am never going out of India. And cut to right now, I'm out of India for almost 8-9 years now. And this is why I know on my own personal experience ki you should never say never. You can say not at the time, abhi nahi hai, maybe not on my priority, maybe not how I think now, but don't categorically deny something that, okay, never say never. I'm never going to leave this job. I'm never going to do this thing. I'm never going to be here. Don't say that. Say not at this point of time. Let's go to number 6. And it's not easy because all of us have that big ego. But agar aapko successful banna hai, to aapko ego ko hata ke rakhna padega. And which is when you ask for help when you need. Bahut sare logon ko lagta hai ki actually help mang liya to I will be shown as weak. Let me tell you, most successful log hote hain, they don't know everything. And they have people who help them with everything. Kya aapko lagta hai ki jo sabse bade entrepreneurs hai, they do all the thing of their own company? No, they have sales head, marketing head, HR head, payroll head, everything. For everything they have people who are expert in that, and their job is to bring those experts together. So there is no harm, there is nothing wrong in asking for help. And if you want to be successful, aapko help mangni hogi jab bhi zarurat ho. Let's move on to number 7, and that is the successful people वो जज या डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं. बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर बहुत सारे बायसेस होते हैं, कुछ नोइंगली कुछ अननोइंगली. बट अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट बायस समहाउ. यू हैव टू कीप चेकिंग योरसेल्फ. कहीं मैं किसी को ज्यादा फेवर तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं किसी को ज्यादा क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं किसी को ज्यादा किसी की ग्रोथ को रोक तो नहीं रहा हूँ. सक्सेसफुल पीपल वॉन्ट टू हेल्प अदर्स. They are not judging. They are not discriminating. At times we judge a book by its cover. That's they say, don't judge a book by its cover. And I would say, don't judge a person by the very first meeting. I know there is something called first impression. You have to have that. But at times we are wrong also. For example, just because koi bahut achhi English nahi bolta, does not mean ki wo knowledgeable nahi. It's a very prevalent example, but this is the truth. So agar aapko successful banna hai, to don't just judge or discriminate people based on your bias. Let's move on to second last or number 8, and that is keep yourself grounded. Said about Narayan Murthy, मैंने कहीं पढ़ा था कि Narayan Murthy इतने बड़े Infosys के founder, इतने million dollars के owner, but he still cleans his toilet every Sunday. Why? Because they keep themselves grounded. जो most successful लोग हैं वो अपना बहुत सारा wealth charity में donate कर देते हैं. Talk about Tata's, उनका 60-70% of profit goes to charities. So I'm not saying you should do charity, it is your personal wish. If you ask me, I do that charity, I would encourage you to do that. But more importantly, keep yourself grounded. Don't just start feeling like you are out of the world, you are different. No, we all are same. Some have little more, some have little less, but that doesn't make you superhuman if you have more. So keep yourself grounded if you want to become a successful person. And Nova or Mera favorite, and I hope ki aapka bhi favorite ho, never compete with others, compete with yourself. Recently maine kuch to post dala tha, and somebody said, yeah, you're doing great than other person. And I had to correct that person by saying that no, nobody is my competition. My competition is myself. How I was yesterday and how I am today, that is my competition. My next competition will be how I will be tomorrow. And I hope I am going in the right direction. So agar aapko successful person banna hai, to aapko apne se compete karna hoga. Koi kisi aur se compete karke aap successful shayad nahi ban payenge. So those are the 9 habits of being successful. Learn to say no, lift others up, don't be afraid of being wrong, criticism ko personally nahi lena hai, kabhi bhi never say never, ask for help jab bhi zarurat ho, ask for help, don't judge or discriminate people, keep yourself grounded, keep yourself to the root, and always compete with yourself. I hope you found these habits helpful and you will apply these habits. And until next time, as I say every time, keep learning, keep growing, and keep going out of your comfort zone. This is Hartosh. I'm going to see you in the next video.